हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास टेंथ की बायो का एक नया चैप्टर है जिसका नेम है अवर एनवायरनमेंट। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, एनवायरनमेंट यानी कि इस पूरे जगह पूरे चैप्टर में किसकी बात होगी, एनवायरनमेंट की बात होगी। कैसा हमारे आसपास का एरिया है ना, चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Everything that surround us is environment. तो जो भी हमारे चारों तरफ है उसे हम क्या बोलते हैं, environment कहते हैं ना। चाहे कुछ भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, वो सब क्या है, हमारे आसपास का जो एरिया है वो सब क्या कहलाएगा, environment कहलाएगा। It includes both living and non-living, यानी कि living को बोल सकते हैं हम biotic and non-living abiotic components। तो इसमें environment में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, living organisms और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों ही आ जाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इंट्रैक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स फॉर्म एन इको सिस्टम। तो इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है यानी कि जो बायोटिक और ए बायोटिक जो कॉम्पोनेंट्स हैं इनका जो इंट्रैक्शन है वही किसे बना देता है, इकोसिस्टम को बना देता है। इकोसिस्टम या हम ये भी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम बायोटिक और नॉन बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है और जिसे हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम उसको कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें इन एन इकोसिस्टम लिविंग कॉम्पोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड विच गिव राइज टू फूड चेन एंड फूड वेब इन नेचर। तो जितने ये जो इकोसिस्टम होता है, इस इकोसिस्टम में क्या होगा, इन इकोसिस्टम इसमें जितने भी जो लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं और वो जितने भी लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। लिविंग कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और फूड के लिए ना, अपने फूड के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और ये आगे जाकर किसे बना देते हैं, किसे गिवराइज करेंगे, एक फूड चेन को गिवराइज करेंगे। और जब ये फूड चेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फूड वेब में बदल जाएगी। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी प्रकृति में क्या बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब देखो हमारा एनवायरनमेंट किन किन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़राब हो रहा है। जो ह्यूमन बीइंग है बहुत ज़्यादा डेवलप होता चला जा रहा है, जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ ना कुछ हार्म भी इसमें क्रिएट हो रहे हैं इस ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये जैसे यहाँ एक्टिविटीज़ ये बता रहे हैं इसमें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारी जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ हमें कुछ हार्म भी हो रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या है, पॉल्यूट हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि जो एयर, जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, डे टू डे क्या हो रहा है उसका डिप्लेशन होता जा रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा हमारे अंदर मॉडर्नाइज, जितने ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही काफ़ी जो गार्बेज है उसका ह्यूज अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ जो ह्यूमन बीइंग जो है उसकी एक्टिविटीज़ भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना, गार्बेज का इकट्ठा होना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, अब हम इसमें बात करेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है, ये तो हमने अभी आपको बता दिया कि इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर बना हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसको हम क्लोजली मतलब इसको डीपली हम इसको समझेंगे, इसमें क्या है, ऑल द इंट्रैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो जितने भी इंट्रैक्टिंग मतलब किसी भी ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और किसी एनवायरनमेंट में या कोई एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर क्या बना देते हैं, इकोसिस्टम को बना देते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलकर किसे बनाएंगे, एनवायरनमेंट को बनाएंगे। और जैसे कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, ये सभी क्या हैं, इकोसिस्टम का एक टाइप है। अब जैसे आप और इसे कैसे समझ सकते हैं कि पहले क्या है, नॉन लिविंग चीज़ें होंगी हमारे आसपास के एरिए में, है ना, ये लैंड है कोई, इस लैंड पर क्या हुआ, पहले यहाँ पर प्लांट्स आना स्टार्ट हुए, प्लांट्स क्या हैं, लिविंग हैं, उन प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, इंट्रैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स आए। जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट के ऊपर डिपेंड है, जैसे बकरी है वो प्लांट पर डिपेंड है, तो वो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगी, प्लांट्स के पास जाएगी। इनके बीच में क्या हुआ, इंट्रैक्शन हुआ इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और साथ ही साथ किससे इंट्रैक्शन हो रहा है, ये जो लैंड है इससे भी इंट्रैक्शन है। लैंड क्या है, नॉन लिविंग है, तो लिविंग और नॉन लिविंग ने मिलकर क्या बना दिया, इको सिस्टम को फॉर्म कर दिया। जैसे कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, ऐसे ही हम पॉन्ड के लिए भी समझ सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? इकोसिस्टम जो है वो 2 टाइप के होते हैं। तो पहला इसमें क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है? द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन। ठीक है, जो खुद से अपने आप जो बन जाता है, जो खुद ब खुद बन गया, वहाँ पर किसी ने भी कोई वहाँ पर जो वर्क है वो वहाँ पर नहीं किया, विदाउट वर्क जो अपने आप फॉर्म हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम उसको कहेंगे। जैसे फॉरेस्ट है, क्या हमने फॉरेस्ट जाकर बनाया था? नहीं, वो अपने आप फॉर्म हुआ। लैक हैं, ओशियंस हैं, ये खुद ब खुद बन गए, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? नेचुरल इकोसिस्टम हम इनको कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से होते हैं? यानी कि मैनमेड, है ना, मैनमेड जितने भी मैनमेड इकोसिस्टम है वो सब क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएंगे। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आ सकते हैं? जैसे क्रॉप है, क्रॉप फील्ड है, उसे हम खुद बनाते हैं, खुद वहाँ पर बीज डालते हैं उस क्रॉप फील्ड में, तब वहाँ पर क्रॉप होती है। एक्वेरियम है, ये है गार्डन है, है ना, गार्डन्स वगैरह होते हैं, ये सभी क्या हैं? मैनमेड हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ये हो जाएंगे। अब देखिए हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं? देखो पहला है यहाँ पर ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स और बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स यानी कि जितने ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है, या ऐसी थिंग जिनमें कोई भी रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर हो रही हैं वो नहीं होती हैं इनके अंदर, इन्हें बोलते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। अब जैसे कि एयर है, वो क्या है? वो हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन क्या एयर के अंदर रिस्पायरेशन होता है? नहीं होता, है ना, तो ये एबायोटिक है। वाटर है, लैंड है, ये हमारे लिए बायोटिक, जितनी भी बायोटिक थिंग है, है ना, जितनी बायोटिक चीज़ें हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, रिक्वायरमेंट है उनकी, लेकिन ये क्या है? नॉन लिविंग है, तो इन्हें बोलेंगे एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। दूसरा है यहाँ पर बायोटिक कॉम्पोनेंट में प्लांट्स और एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर तो यही आते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अब ये जो एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, या इन्हें फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो बच्चों यहीं पर आप इसे पूरा समझ लीजिए, हालांकि इसमें डिटेल में आगे और दे रखा है वो मैं समझा दूंगी, पर यहाँ पर एक बार ऐसे ही आपको बुकिश लैंग्वेज है उससे हटकर जो जनरल लैंग्वेज होती है उसमें समझा देती हूँ मैं इनको, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर क्या है? जैसे प्लांट्स हैं वो सभी क्या प्रोड्यूसर हैं, वो क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फूड बनाते हैं, तो वो प्रोड्यूसर हो गए। कंज्यूमर्स आ जाते हैं इसमें कि जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है वो कंज्यूमर हो गए। फिर डिकम्पोजर्स हो गए कि वो उनकी जब प्लांट्स की या जितनी भी ये चीज़ें इनको जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको डिकम्पोज करने के लिए जिन छोटे जो ऑर्गेनिजम्स की नीड होती है उन्हें क्या बोल देते हैं? डिकम्पोजर्स इनको कह देते हैं। अब बच्चों जो कंज्यूमर्स हैं ये भी आगे डिवाइडेड होते हैं इन फर्दर पार्ट्स। जैसे ये है यहाँ पर जो कंज्यूमर है ये किस में डिवाइड है? हर्बीवर में और कार्निवर में। जो कंज्यूमर्स तो कैसे भी हो सकते हैं, हर्बीवर्स भी हो सकते हैं, आपको पता है ना। हर्बीवर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपनी जो अपनी मतलब पूरी तरह से वेजिटेबल्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवर्स कहेंगे। कार्निवर्स कौन से होते हैं? जो केवल और केवल जो मीट है या ऐसी मांस को खाते हैं उन्हें कार्निवर्स कहेंगे। ओमनिवर्स वो होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी डाइजेस्ट कर लें और जितना जो भी मतलब मीट वगैरह है उसे भी ये खा लें, तो उन्हें बोलेंगे ओमनिवर्स। और पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो अपनी लाइफ को फूड के लिए दूसरे के ऊपर पूरी की पूरी लाइफ ना तो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्पेंड करते हैं, उन्हें बोला जाता है पैरासाइट्स, ठीक है। जैसे डॉग में जो टिक्स हो जाते हैं ना, पिस्सू जिन्हें बोलते हैं, तो डॉग का तो कोई फ़ायदा उसमें है नहीं, डॉग की तो वो जो बॉडी है उसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से ब्लड को सक कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चला रहे हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स हम इनको कहेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें इनका थोड़ी थोड़ी इनमें लाइन्स दे रखी, इनको समझा देते हैं आपको। तो ये तो हमने जनरल लैंग्वेज में समझाया, बुकिश लैंग्वेज में क्या है इसमें? एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं ऑल द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा फॉर्म द एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। आप समझ गए होंगे कि ये सभी क्या बनाते हैं? एयर है, वाटर है, लाइट है, ये लैंड है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सभी मिलकर किसे बनाएंगे? एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स को बनाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? और लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी या फंजाई एक्सेट्रा फॉर्म द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो ये किसे बनाएंगे? बायोटिक कॉम्पोनेंट्स को। आप सिंपल तो आपको पता ही है, जिनमें रेस्पायरेशन हो रहा है, वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सभी क्या हैं? बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। और जैसे और इसमें और अगर डिटेल में समझे तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर
सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग अगर समझना हो तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये सभी किसे बनाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स को बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड या आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, तो ये जो अगर न्यूट्रिशन के बेस पर देखा जाए तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये भी आगे डिवाइड होते हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, अभी हमने समझाया कि जितने भी ऑल लिविंग ऑल ग्रीन प्लांट्स जो हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को ए बायोटिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके ऐसे प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन और एल्गी जो हैं वो सभी किस में आती हैं, प्रोड्यूसर के अंदर आती हैं, और ये क्या करते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपने फूड को बनाते हैं, इन्हें कहेंगे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये भी क्या है एक तरीके का, इसमें प्लांट्स क्या करते हैं सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद इनके अंदर क्लोरोफिल, इनके इनमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है, और उसके अंदर ले जाकर ये इस तरीके से अपने फूड को बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, हम उसको कहेंगे, हैंस कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है प्रोड्यूसर्स इनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। तो इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है, वो सभी जितने सभी ऐसे और एनिमल्स इसके अंदर आ जाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर तरीके से वो किस पर डिपेंड होंगे, प्रोड्यूसर्स पर, और इसी को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं प्लांट है, प्लांट ने क्या किया फूड को बनाया, उस प्लांट को किसने खाया, मान लो ये गोट है, गोट ने खा लिया, गोट ने खाने के बाद गोट ने उसको खा लिया, और फिर गोट को किसने खा लिया, लाइन ने खा लिया। ठीक है, अब देखो अगर गोट नहीं होती तो लाइन को फूड नहीं मिलता, तो लाइन क्या है इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड है, और गोट क्या है डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। ठीक है, तो हर तरीके से ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल इसके अंदर आते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे कंज्यूमर्स हम इनको कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसका डिवीज़न ऑफ कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स का डिवीज़न कैसे कैसे हो सकता है, जैसे हर्बीवर्स हैं तो प्लांट्स ईटर्स वो सभी क्या कहलाते हैं, हर्बीवर्स कंज्यूमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे गोट है, डियर है, ये सभी क्या है हर्बीवर्स हैं ये। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे ओमनीवर्स की, ओमनीवर्स क्या होते हैं, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये दोनों को ही ईट कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं ओमनीवर्स के अंदर आ जाते हैं। अब बच्चों पैरासाइट तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो अपनी की अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्पेंड करते हैं, अपना फूड भी वहीं से लेते हैं। अभी जैसे मैंने डॉग का एग्जाम्पल देकर समझाया, उस डॉग के ऊपर क्या होती है टिक्स होती हैं, और टिक्स क्या करती हैं उसके उसका जो ब्लड है उसको शक करती रहती हैं, और इस तरीके से ये इनको क्या बोलते हैं पैरासाइट्स। और एज अ ये जो बुक के अकॉर्डिंग क्या है इसमें लिखा हुआ है लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, एग्जाम्पल लीस एंड कॉस्क्यूटा, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट इसमें हम बात करें डिकम्पोजर्स की, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं कि जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम से मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ होने के बाद क्या होगा, इनको डिकम्पोज करने के लिए भी तो किसी की रिक्वायरमेंट है, तो जो इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं डिकम्पोजर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है बैक्टीरिया है और फंगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।